हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हम प्लांट एनाटॉमी के टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट की हमारी दो तीन वीडियोस में हमने एनुअल रिंग्स देखी थी, किस तरह से बनती हैं, कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस किए थे। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा स्टील रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। तो बाहरंगी क्षेत्र में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो आपके किसके एक्टिवेशन से होती है? फेलोजन के एक्टिवेशन से। फेलोजन या फिर जिसे आप बोलते हो कॉर्क एदा, कोर कैम्बियम के एक्टिवेशन से आपके बाहरंबी क्षेत्र में द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है, जिसमें आपके छाल का निर्माण होता है। तो छाल से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और अब जो अपकमिंग एग्जाम है आपका ACF, उसमें भी इससे रिलेटेड गारंटेड एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले जो कोर कैम्बियम होती है उसकी आपको एक वलय मिलती है कोर कैम्बियम की, ये रम के बाहर वाले रीजन में होती है। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? रेक्टेंगुलर होती हैं, सकरी पतली भित्ती वाली और एकल वलय, एक ही वलय मिलेगी और रेक्टेंगुलर शेप में ये होती हैं। अब इनसे क्या होता है, जैसे ही इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वलय दिख रही है आपको, ये सेल्स की एक जो लेयर दिख रही है इसे हम बोल रहे हैं फेलोजन, ठीक है। अब इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे और इससे कुछ टिश्यू बाहर की तरफ बनेंगे, कुछ टिश्यू अंदर की तरफ बनेंगे। जो टिश्यू बाहर की तरफ बनते हैं उनसे आपके क्या बनती है? फेलम, फेलम या फिर उन्हें बोलते हैं कॉर्क, कॉर्क सेल्स, ठीक है। फेलम भी बोल सकते हैं, कॉर्क सेल्स भी बोल सकते हैं, ओके। अब इन कॉर्क सेल्स में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये कॉर्क सेल्स हैं। अब ये सेल्स हैं आपके, इनकी देख सकते हैं डबल लेयरिंग होगी और एक तरह से वर्गाकार मिलते हैं स्क्वायर शेप में। इसमें आपके इनकी जो मिडिल लेमेला है उसमें सुबेरन का जमाव हो सकता है, और जैसे सुबेरन का जमाव होगा यहाँ से जल है वो इंटर नहीं हो सकता, यानी कि जल के लिए अप्रवेश यानी इम्परमिएबल हो जाती है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो सेल्स बनती हैं, यानी कि यहाँ जो सेल्स बनेंगी, ये वाली सेल्स जो बन रही हैं इन्हें बोलते हैं आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं फेलोडर्म, या फिर इसे क्या बोलते हैं? फेलोडर्म। तो अब देखिए ये क्या थी आपकी, ये फेलोजन थी, इससे अंदर की तरफ फेलोडर्म बना है और इससे बाहर की तरफ क्या बना है? ये फेलम है, ठीक है। अब ये फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इन तीनों को मिला के आप क्या बोलते हैं, इन तीनों को एक टर्म देते हैं नाम, इन तीनों को साथ में इन्हें बोलते हैं पेरीडर्म। इसे मिला के, इसे मिला के और इसे मिला के, इन तीनों को मिला के आप क्या बोलते हैं? पेरीडर्म बोलते हैं। और कॉर्क है ये, फेलम वाली सेल्स हैं, ये कैसी हैं? जल के लिए अप्रवेश हो जाती हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अंदर की जो सेल्स होती हैं, अंदर की तरफ बनने वाली जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं उनमें आपके क्या होता है, आपके हरित लवक होता है, और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। और कैसी सेल्स हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ठीक है। कोर कैम्बियम से आपके हमेशा आपको एक वर्ष इसकी जो वलय होती है कोर कैम्बियम की, एक वर्ष तक की जीवित रहती है, और हर वर्ष एक नई कोर कैम्बियम है पहली वाली कैम्बियम की अंदर की तरफ बनती है। और ये अंदर की तरफ क्यों बनती है? इन वाली सेल्स से, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स बनाई थी हमने, इससे एक और नई एक लेयर बन जाती है और कोर कैम्बियम की, वो वापस से डिवीजन करके आपके अंदर और बाहर सेल्स का निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए 2012 में एक और कैम्बियम की ये लेयर बनती है, तो अगले आने वाले 2013 में कोर कैम्बियम की लेयर कहाँ मिलेगी, बाहर या अंदर? अंदर की तरफ मिलेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाएगी, एक नई लेयर है वो अंदर की तरफ कॉर्क कैम्बियम की बनती जाएगी, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ देखना है, जब इसकी जो सर्वाधिक क्रियाशीलता कौन से मौसम में देखी जा सकती है? सर्दी या फिर पतझड़ के मौसम में देखी जा सकती है। और इसकी जो एक्टिवेशन है ये बाहर की तरफ ज़्यादा होती है। अब कुछ सेल्स हैं वो आपकी इस तरह से मिलती हैं, ढीली पेरेन्काइमेटस सेल्स बन जाती हैं, ये ढीली देख सकते हैं और एक गोलाकार शेप में। और कैसी हैं ये?
एक रंगीन है, पतली भित्ति वाली है, ढीली मृदुत्व की कोशिकाएं हैं, इन्हें बोलते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स यानी कि संपूरक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं इनमें सुबेरियन का निक्षेपण नहीं होता है और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो ये आपकी हाइपोडर्मिस है जो आपकी अधिचर्म है इस पर एक दबाव सॉरी हाइपोडर्मिस यानी कि एपिडर्मिस है उस पर दबाव पड़ता है और वो आपकी एपिडर्मिस फट जाती है, तो उससे आपके वारतरंध्र का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं आप लेंटिकल्स बोलते हैं जिन्हें आप। ठीक है, तो कैसे बने हैं ये, हमारे किसके एक्टिवेशन से बने हैं, ये फैलोजन के एक्टिवेशन से ही बने हैं जो बाहर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होती है अंदर की तरफ कम होती है। तो कुछ कोशिकाएं हैं वो फैलम से डिफरेंट शेप ले लेती हैं जो कि गोलाकार होती हैं, रंगीन होती हैं, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और ये कैसे होती हैं पैरेन्काइमेटिस होती हैं और इन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो आपकी यहाँ तक ये आपकी एपिडर्मिस से सहन कर सकती है लेकिन ज़्यादा सेल्स आने पे ये इसका प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी और ये फट जाएगी। तो आपके ये जो जो एरिया बच रहा है इसे ही वातरंध्र बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। अब इनका जो वर्क होता है ये किन पे मिलते हैं, ये पत्तियों पे नहीं मिलते हैं, वातरंध हमेशा तनों पे मिलते हैं, फलों पे मिल सकते हैं। इनका मेन फंक्शंस होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी कि वातरंध का वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान हो सकता है इनसे आसानी से। और ये किसकी एक्टिवेशन से बने हैं, फैलोजन की एक्टिवेशन से ही बने हैं। ओके, अब इसमें सुबेरिन आपको यहाँ पे निक्षेपण नहीं होगा इनके मिडिल लेमेला में, इसलिए यहाँ से जल से आ सकता है लेकिन इधर से जल नहीं जा पाएगा, यानी कि ये जो फैलम सेल्स हैं इनमें जल अप्रवेश है जबकि यहाँ से प्रवेश कर सकता है। अब आपको याद रखना है छाल क्या होती है, हम छाल देखते हैं, हमने वातरंध भी देख लिए हैं, उनका वर्क भी देख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं छाल क्या है। तो छाल थी पुराने मत के अकॉर्डिंग इसमें मृत ऊतक आते थे। ठीक है, मृत ऊतक आते थे। सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे, राइटिडोम क्या होता है, तो वे सभी ऊतक जो कि कोर कैम्बियम से बाहर स्थित होते हैं यानी कि इस कैम्बियम से बाहर ऊतक होते हैं, इस कैम्बियम से बाहर जितने भी ऊतक आएंगे उन्हें राइटिडोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइटिडोम बोलते हैं। इसमें कोर्क आ जाएगा और कोर्क के प्रेशर से कुछ टिश्यू जो दब जाते हैं यानी कि इसके प्रेशर से कुछ टिश्यू जो इधर आएंगे वो दब जाएंगे, उन्हें मिला के आपके राइटिडोम मिलेगा। ओके, अब हम देखते हैं छाल क्या होती है। छाल के लिए दो मत चलते हैं, एक तो पुराना मत चलता है, एक आधुनिक मत चलता है। तो पुराने मत में क्या होता है, इसके अनुसार जो कोर केमियम के बाहर सभी जो ऊतक आते थे उसमें आपके मोस्टली कैसे आते थे, डेड टिश्यूज आते थे, डेड टिश्यू आते थे। कोर केमियम से बाहर जो टिश्यू मिलते थे उन्हें छाल बोलते थे, उन्हें बार्ग बोलते थे पुराने मत के अकॉर्डिंग। लेकिन अब नया जो आधुनिक जो मॉडर्न आपका मत है उसके अकॉर्डिंग इसमें जीवित और मृत दोनों ऊतक आते हैं और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सम्मन एदा यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम जो अंदर की तरफ मिलती है, मान लीजिए ये वो वेस्कुलर कैम्बियम है और ये वाली आपकी कोर कैम्बियम है। ठीक है, तो पहले मानते थे इससे बाहर जो ऊतक हैं उसमें आपके मृत्यु ऊतक आएंगे, लेकिन अब जो आधुनिक मत के अकॉर्डिंग सम्मनी एदा के बाहर जितने भी ऊतक आते हैं यानी कि ये वाले जो जिसमें आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स पे आ गया और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो कि कैसा है, जीवित ऊतक है, साथ में ही कॉर्क भी आ गया जो कि मृत ऊतक है यानी कि इसमें जीवित और मृत दोनों ही सम्मिलित हैं। इसमें दो परतें आप देख सकते हैं छाल में, छाल की बाहरी परत यानी कि ये इससे कॉर्क से बाहर वाली परत ये जो एरिया होगा इसे राइटिडोम बोलते हैं क्योंकि इसमें मृत ऊतक आ गए, और ये जो ये वाली लेयर है इसमें कौन से आपकी लिविंग सेल्स हैं इसे आंतरिक परत बोलते हैं जिसे सेकेंडरी फ्लोएम भी बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप वापस से देखिए, पेरीडर्म है, पेरीडर्म किसे मिलके बोलते हैं, फैलम, कोर को फैलम बोल सकते हैं, कोर कैम्बियम को फैलोजन बोल सकते हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स उसे आप फैलोडर्म भी बोल सकते हैं। इन तीनों को मिला के आप एक टर्म बोलते हैं पेरीडर्म। राइटिडोम किसे बोलते हैं, ऊतक जो कोर कैम्बियम से बाहर स्थित होते हैं और या फिर कॉर्क जिसमें आपके कॉर्क के दबाव से कुछ डेड टिश्यू हैं वो भी सम्मिलित होते हैं उन्हें राइटिडोम बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि छाल की पुराने मत के अकॉर्डिंग छाल क्या है तो उसमें आपके राइटिडोम ऊतक आता है जिसमें मृत ऊतक हैं बेसिकली। अगर आधुनिक मत के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो जिसमें छाल में जीवित और मृत दोनों ऊतक आते हैं जिसमें राइटिडोम मृत ऊतक तो है ही, साथ में उसमें जीवित ऊतक यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम यानी कि अंदर वाला जो पार्ट है वो भी आ जाता है। ओके,
ये था हमने बात की। अब हम कुछ एक कुछ थिंग्स में बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, वृक्ष की संपूर्ण छाल को हटा दिया जाए तो अत्यधिक जल हानि के कारण वृक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले किसकी मृत्यु होगी? अगर आप आधारी भाग से एक वलय के रूप में छाल को वलय के रूप में हटा देते हैं तो सबसे पहले किसकी, शूट की या फिर रूट की? तो जड़ों की मृत्यु सबसे पहले होती है, किसकी? रूट की। अब इसकी एनाटॉमी आपको पता होगी तभी इसका आप आंसर कर पाएंगे। तो अभी तक तो आप ये याद रख लें कि छाल को हटा देने पर आपकी रूट की मृत्यु सबसे पहले होगी। और सबसे पहले बनने वाली छाल को क्या बोलते हैं? हम पहले ही देख चुके हैं, वलय बनती हैं जिसमें हमने देखी थी, कोमल छाल बोलते हैं। मौसम के अंत में बनने वाली छाल को कठोर छाल या फिर पश्च छाल बोलते हैं, वो हमने वलय देखी थी, सॉरी वो वलय अलग थी। ठीक है, तो ये है बेसिकली। अब इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं छाल है वो किन किन ऊतकों से मिलकर बनी होती है, वो राइटिटोम और सेकेंडरी फ्लोएम, और इसमें कौन सा जीवित ऊतक है? सेकेंडरी फ्लोएम। मृत ऊतक कौन सा है? राइटिडोम है। पेरिडर्म किसे बोलते हैं? तो पेरिडर्म आपके कॉर्क कैम्बियम से बाहर बनने वाली सेल्स कॉर्क और अंदर बनने वाली सेल्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को मिला के पेरिडर्म बोलते हैं। राइटिडोम किसे बोलते हैं? तो कॉर्क और कॉर्क के दबाव से मृत जो ऊतक है उन्हें राइटिडोम बोलते हैं। तो ये थे हमारे बाह्यरम्भी क्षेत्र में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है आपकी, किसकी? एक्टिवेशन से, कॉर्क कैम्बियम के एक्टिवेशन से, जो बाहर की तरफ आपके फैलम या फिर कॉर्क सेल्स बनाती है और अंदर की तरफ फैलोडर्म या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। तो दिस विल बी ऑल फूड, इससे छाल्स का जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके कई सारे क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे। थैंक्स।